दर्शक बंधु एबे भारत चाइना को एमिति एक झटका देछि जहां संभवतः चाइना रो एथि पूर्वरु जो आकलन रहितला आशा रहितला एथिरे पानी फुटका परि मिलि जायछि। प्राय चाइना तरफरु एक बिलियन डॉलर रो निवेश को भारत नाकच करतीछि। ए प्रसंग भारतर अर्थनीति एवं भारतर जो श्रम विकास सह संपर्कित रही केतेक कारणरु भारत सरकार एभली प्रस्ताव को खास करी चाइनारु आसथिबा भली प्रस्ताव को नाकच कर देइछन्ती। ए संबंधरे जदि गणमाध्यम रिपोर्ट गुड़ी को देखिबा ताहले चाइनारो बीवाईडी मोटर्स एही मोटर्स रो एक कारखाना भारत रे खोलिबा पई चाइना भारत को आवेदन करथिला। एथिरे प्राय एक बिलियन डॉलर रो निवेश रहिबो एकथा मध्य आकलन रहितला। एवं भारत बाजार रे जदि एही बीवाईडी मोटर कंपनी निजर कंपनी को प्रतिष्ठा करथांता निजर इंडस्ट्री को प्रतिष्ठा करथांता ताहाले पाखापाखी चाइना रो आकलन अनुजाई भारतीय बाजार रो 40% एमाने निजे नियंत्रण रे रखिथांते। किंतु एसबू कल्पना जल्पना को भारत मूलरु ही बंद करी देछि। दुई प्रकार घटना रे एही कथा सामना को आसुचि। प्रथम कथा हला वर्तमान साउथ अफ्रीका रे ब्रिक्स रो एक बैठक होइतला। ब्रिक्स रो जो मूल देश मान रहिचंती एमानंकर जो माने राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एमानंकर बैठक अगस्त मास रे त होबाक अछि। किंतु ता पूर्वरु जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अर्थात एनएसए मानंकर एक बैठक होइतला ब्रिक्स देश मानंकर। ब्रिक्स देश अर्थात ब्राजिल रशिया भारत चाइना एवं दक्षिण आफ्रिका। एही देश मानंकर जो जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एमानंकर बैठक होइतला एथिरे भारत तरफरु अजित डोभाल सर जोगो देथिले। एथिरे चाइना रो वांग वी मध्य जोगो देथिले। एवं सबुठ बड़ विचित्र कथा हला वांग वी ए जो व्यक्ति जनक जदि केबे केउठी विदेश मंत्री मानंकर बैठक हुई ये पहुंची जानती। एबे राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता मानंकर बैठक होईची एथिरे मध्य ये पहुंची जाइचंती। आगामी काली जदि कोनोसी रक्षा मंत्री मानंकर बैठक हुए ताहाले मध्य संभवत ए व्यक्ति पहुंचिवार यथेष्ट संभावना रही। एमिति चाइना गोटिए व्यक्ति उपरे अत्यधिक निर्भरशील बा निर्भर करुची एकथा भल कथा। किंतु वांगवेंकर एक प्रस्ताव को सीधा सळख अजित डोभाल अत्यंत सरल भाषा चाइना को बुझाई देचंती। एथिरे चाइना कहिबा कथा भारत रे आमको निवेश करिबा पई दिया जाउ। किंतु अजित डोभालंकर उत्तर रहितला कि भारत एवं चाइना रो जो संपर्क रहिची एहा संभवतः अत्यंत स्पर्शकातर एवं संवेदनशील अवस्था को चली आसी। कोनोसी हाल रे भी चाइना रो कोनोसी नीति को भारत सहजरी विश्वास करिबा भली स्थिति रे नाही। एहार जथेष्ट प्रमाण रहिची सीमा रे षड्यंत्र हो भारत को घेरिबा पई योजना हो आदि इत्यादि अनेक विषय वस्तु उपरे भारत चाइना को आउ विश्वास करिबा स्थिति रे नाही। अंतरराष्ट्रीय मंच रे भी आतंकवादी मामला को नहीं भारत विरुद्ध रे चाइना रो मतामत लगातार भाबरे पाकिस्तान को समर्थन आदि इत्यादि जो भली भाबरे भारत विरोध रे एक वातावरण चाइना सृष्टि करची एथिरे चाइना को चेकमेट दबा को हेले भारतीय बाजार बळी एक विशेष एवं एक विराट बाजार को चाइना बाजार रो अंश विशेष हवारु चाइना को बाहरी रखिबार अपातत एक प्रक्रिया भारत आरंभ कर दे छे। एवं ए प्रक्रिया एबे नुह 2020 मसिया रे गलवान घाटी रो संघर्ष परे परे भारत अति चतुरतार सह चाइना को ए बाजार रु बाहरी रखिबार योजना करिसला। एथिरे भारत फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रे एक व्यापक परिवर्तन कर दिथिला। एवं एही नुवा परिवर्तन रो नियम मुताबक भारत कहितला कि भारतीय सीमा को लागि जेकोनोसी देश जदि भारत रे निवेश करिवा को अछि मोटा आकार रे निवेश करिवार अछि भारत रे प्लांट बसेइबार अछि भारत रे कोनोसी प्रकार रो कार्य करिवा पई जदि चाहे ताहले केंद्र सरकार को एथि पई जणाइबा को पड़िबो एवं केंद्र सरकार कर अनुमति नवा को पड़िबो। मोटामोटी जदि आपण हिसाब करिवे नेपाल हो पाकिस्तान हो श्रीलंका हो बांग्लादेश हो एमाने केबे हेले एते मोटा आकार रे भारत रे निवेश करि परिबे ना। तेणु रहिला चाइना। चाइना रो ना न नै भारत सीधा सड़ख निजर एफडीआई नीति रे परिवर्तन कर दीथिला। एही हिसाब रे 2020 एवं 2022 पर्यंत जदि समय सीमा देखा जाए ताहले एथिरे जो रिपोर्ट प्रकाश पाइछे एही रिपोर्ट अनुजाई प्राय 347 टी एफडीआई आवेदन फॉर्म भारत सरकारक हस्तगत होइथिबले सबकु तर्जमा करा जाउछि। एबे बीवाईडी कु नै
एक मोटर कंपनी जहाँ चाइना रे सबुठारु प्रतिष्ठित मोटर कंपनी एहा दक्षिण आफ्रिका रे हो यूरोपियन रो किछि राष्ट्र रे लैटिन अमेरिका रे एभली कंपनी रो गाड़ी को किछि लोक व्यवहार करिवा देखा जाउ तेनु भारत रो बाजार को आखि आग्रे रखि BYD मोटर्स एठारे एक प्लांट बसेवा पई योजना करथिला जहार निवेश $1 billion होवार संभावना रहितले एवं चाइना तरफ रु एई प्रपोजल मध्य दिया जायथिला कि भारतीय कंपनी जेकोनसी एक कंपनी सह चाइनार BYD मोटर्स युक्त हो ये प्लांट प्रतिष्ठा करिवो एवं एथिरे भारत कंपनी तरफ रु किछि निवेश रहिवो चाइना मध्य निवेश करिवो एवं आगामी 8-10 वर्ष मध्य रे प्राय 8-9 billion रो मध्य एठारे निवेश रहि भारत रे जे माने गाड़ी किनिबा प्राय 15-16 lakh दे गाड़ी किनिबार सामर्थ्य रखि चंदे से माने आउ टिके जोर लगे 20 lakh पर्यंत गाड़ी किनि परिबे जहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल BYD मोटर्स भारत रे निवेश करिवा पई योजना करथिला इलेक्ट्रिक मोटर्स रो जो भविष्यत एहा खूब शीघ्र आसुची सारा विश्व रे एबे एहा को नै विभिन्न प्रकार रो प्रक्रिया चालीची आगामी दिन रे पेट्रोल डीजल चालित खास करी कार गुड़ी को निश्चित मात्रा रे उभान होई जिवो परिवेश को बंचेबा को हेले इलेक्ट्रिक व्हीकल रो एक व्यापक आवश्यकता प्राय सब देश रे अनुभूत होइथुआ बले एहा को निर्माण करिवा पई विभिन्न कंपनी आगे आस्थिले एभली स्थिति रे चाइना मध्य निजर BYD मोटर्स जरिया रे इलेक्ट्रिक व्हीकल बा इलेक्ट्रिक गाड़ी निर्माण करिवार प्रपोजल को बा आवेदन को भारत सरकार को जणाइथिला किंतु एहा को भारत सरकार नाकच कर दैछन्ते एहिति पई जे चाइना एवं भारत मध्य रे चाइना भारत विरोधी जेउ हावाहावा को लगातार बढ़ै चलछि एहि हिसाब रे एहा को चेकमेट दबा को हले अर्थनीतिर एक बड़ बाजार रु चाइना को बाहर करेबार उद्यम एबे अपातत सफल होइतबार जणा पड़े एवं जहा को अत्यंत सरल भाषा रे अजीत डोवाल सर ब्रिक्स रो NSA बैठक रे सीधा सड़ख चाइना रो वांग विंग को बुझेई देइचंती तबे आगामी दिन रे भारत एहार विकल्प मध्य प्रस्तुत करूची कारण अमेरिकी कंपनी टेस्ला एबे भारत रे एभली इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण करबा पई योजना करचो भारतर बाजार मध्यम वर्ग एवं उच्च मध्यम वर्ग पई टेस्ला एक स्वतंत्र धरणर इलेक्ट्रिक व्हीकल को निर्माण करबा पई जाउचे जार दाम प्राय पाखापाखी 20 lakh टंका रहिबो तेनु धीरे धीरे टेस्ला भारतर बाजार को एक सुजोग रूप रे ग्रहण करथुआ बळे चाइना को एथिरु अपातत वर्तमान समय पर्यंत भारत सरकार बाहरे रखिछन्ति तेनु आगो को चली एही घटनार निष्पत्ति केउ बाटरे जाउची ताहा तो देखिबा को बाकी रहिला किंतु अपातत वर्तमान पर्यंत चाइना को चेकमेट दबा को हेले एक अर्थनैतिक झटका प्रथमे FDI द्वारा दिया जाइथिला एबे चाइना रो निवेश को नाकच कर दिया जाय टेस्ला को प्रोत्साहित करिवा भली जो परिवेश सृष्टि करा जायची एथिरे मध्य चीन को एक जबरदस्त झटका लागितिवार अनुमय हुए जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान ओ परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।